नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज के दिन के बारे में कुछ विशेषता है जो हम लोग आज से क्वेश्चन में कवर करेंगे। और सबसे पहले कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर हम लोग आज के करंट अफेयर्स पे आएंगे। तो धीरज जी नमस्कार, शोमजीत जी नमस्कार। और आज में एक और कंपटीशन है कि जो सबसे ज़्यादा सही जवाब देगा और उसको मैं एक पेन अमेजन के माध्यम से मैं गिफ्ट भेजूंगा आपको। मैं अपना टेलीग्राम दूंगा, आप अपना एड्रेस भेजिएगा और मैं सियोरली आपको एक पेन भेजूंगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है, कंपटीशन की भावना आती है जो कि हमें इम्प्रूव करने पे प्रेरित करती है। ठीक है, मोटिवेशनल स्टोरी। ठीक है, एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। पत्थर की कहानी है कि एक पत्थर था जो कि जंगल में पड़ा हुआ था। तो उसे एक मूर्तिकार उठा के ले गया। जैसे मूर्तिकार ने उस पत्थर पे पहला हथौड़ा मारा तो पत्थर की तरफ से आवाज़ आई कि नहीं, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मुझे मत मारो पत्थर हथौड़ा। तो मूर्तिकार बेचारा उतना कनेक्टेड था पत्थर से कि पत्थर की आवाज़ सुन गया। ये कहानी है, पत्थर की आवाज़ समझ गया। तो उसने उस पत्थर को एज इट इज छोड़ दिया। दूसरा पत्थर था, दो पत्थर लेके आया था, दूसरा पत्थर था उस पर जब उसने हथौड़े की मार की, पत्थर ने दर्द सह लिया। तो मूर्तिकार ने उसकी एक बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बनाई। कुछ दिनों बाद दोनों उसके दुकान में रखे हुए थे। एक बार एक मंदिर से कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई भगवान की मूर्ति हम खरीदना चाहते हैं। उन्होंने उस मूर्ति को ले लिया। दूसरी पत्थर ऐसी पड़ा हुआ था, उन्होंने पूछा पत्थर किस काम का आपके? बोला नहीं, किसी काम का नहीं है, ये चोट नहीं बर्दाश्त कर पाया इसलिए इसको ऐसे रखा गया। बोला कि हमें दे दीजिए। वो ले गया अपने साथ। तो भगवान की मूर्ति लगा दी गई और वो पत्थर बाहर रख दिया गया। और बाद में काम क्या था लोगों का कि लोग भगवान की मूर्ति पे आकर प्रणाम करते थे, फल चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे, और वो जो पत्थर पड़ा था उस पर लोग नारियल फोड़ते थे। जिसने एक हथौड़े की मार बर्दाश्त नहीं की, उसको पूरी ज़िंदगी अब मार बर्दाश्त करनी है। तो बस यही है कि हमें जब सही समय पे जब मार बर्दाश्त करनी है, 6 महीने की मार है बर्दाश्त कर लेंगे तो पूरी ज़िंदगी आराम से रहेंगे। लेकिन अगर उस 6 महीने की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो पूरी ज़िंदगी उस पर नारियल फोड़ा जाएगा और दूसरे की पूजा की जाएगी। तो ये कहानी मात्र है, लेकिन कहानी से हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। तो इससे सीख यही है कि जो थोड़ा वो दर्द प्रिपरेशन के समय मिलता है उसको आदमी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एंजॉय कर रहा हूँ कि पढ़ना कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है। सिलेक्शन हो जाने के बाद पढ़ना इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, दिमाग में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 36 तरह का प्रेशर आता है, तब पढ़ना बहुत टफ है। लेकिन उसी चीज़ को सोचिएगा कि अगर अभी नहीं पढ़ूंगा तो पूरी ज़िंदगी कष्टमय गुजरेगी। बहुत टफ हो जाता है जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं उसके बाद पछतावा। तो उससे अच्छा है कि अभी थोड़ा सा दर्द सह लें और हम पढ़ाई में लग जाएं। ठीक है, तो आज की ये कहानी थी, मोटिवेशनल कहानी। तो अब हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, इंग्लिश में है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, किस कंट्री से एसोसिएटेड है? चलिए, आपके पास समय बहुत कम है। नीतीश मल्होत्रा जी गलत जवाब, अमितेश रिशु जी गलत जवाब, अजीत कुमार पांडे गलत जवाब, स्नेहा गलत जवाब, अजय गलत जवाब। अभी तक कोई भी पेन का हकदार नहीं मिला है। सुमित जी गलत जवाब, बैटमैन रिटर्न्स इंडिया सही जवाब। ये इंडिया में किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेज हैं सबका रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा, कोई भी उस रिकॉर्ड को चेक कर सकता है, या जो केसेज चल रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। तो ये सवाल जो है सबसे पहले बैटमैन रिटर्न्स के द्वारा बोला गया था। मैं नाम नोट कर ले रहा हूँ बैटमैन रिटर्न्स का, मैं इसलिए आज पेपर पेन लेके आया हूँ कि जो सबसे ज़्यादा सही जवाब देगा मैं उनका नाम नोट करता जाऊँगा। ठीक है, तो बैटमैन रिटर्न्स का। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं डिटेल्स थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस डेटा को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर शामिल किया है। जो NJDC पोर्टल देश भर की अदालतों द्वारा शुरू किया गया लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा को एक राष्ट्रीय भंडार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि खुली डेटा नीति के तहत NJDC पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट का डेटा शामिल करना न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी होता है, जवाबदेही लाइन के लिए हमारी तरफ से एक अच्छा कदम है। अब यहाँ बात आई सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है इंडिया का, ठीक, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। पहला पॉइंट, सबसे पहले 1773 में, 1773 में रेगुलेशन एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तब यह सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया था, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, फेडरल कोर्ट नहीं था। 1935 में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, पॉलिटी में भी पढ़ा होगा आपने, 1935 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्तमान में 34 जजेज हैं, 34 जस्टिस जो होते हैं वो हैं, जो कि जिसमें से एक 33+1 बोला जाता है हमेशा, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का नाम आपने यहाँ देख लिया, DY चंद्रचूड़ माननीय, सॉरी, इनको हमेशा इनके नाम में आपको ऑनरेबल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो 4-5 पॉइंट थे वो कवर हो गया। और 28 जनवरी 1950 में फाइनली आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद 28/1/1950 को अपना जो सुप्रीम कोर्ट है ये स्थापित हुआ था, ठीक है। तीन तरह के कोर्ट होते हैं भारत में, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, और हर जिले में आपने देखा होगा एक सेशन कोर्ट होता है, ठीक। चलिए सुप्रिया जी, थैंक यू, लेकिन आप जवाब दीजिए तो मैं, जो छोटा सा गिफ्ट है लेकिन बहुत मेमोरेबल गिफ्ट होगा सबके लिए, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अगला आंसर आप मिलेगा। देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को किस तारीख से केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा? ऑल रिपोर्टेड बर्थ एंड डेथ इन द कंट्री विल बी डिजिटली रजिस्टर्ड ऑन द सेंटर्स पोर्टल फ्रॉम विच डेट? ज्योति जी का सही जवाब है, सबसे पहले ज्योति जी ने दिया, फिर SRH ने दिया है, तो ज्योति जी का नाम मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को 1 अक्टूबर से केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि जो भी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, सरकारी नौकरियां, पासपोर्ट, आधार, मतदाता नामांकन के लिए उपयोग होगा ये, और आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अभी कैसे क्या होता है, कुछ लोग जन्म होता है उसके बाद फिर से बढ़वा लेते हैं डेट या घटवा लेते हैं, पहले बहुत चलता था ये सब, वो इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब आपको ए होगा। तीसरा, किस राज्य ने निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? थर्ड, आप लोग थर्ड का लिख लीजिए, आंसर समझ में आएगा, कुछ लोग पुराना आंसर भी लिखने लगते हैं तो सही हो जाएगा। थ्री के आगे ABCD जो लगाना है आप लिखिए, ए गलत है। अब वैसे तो कोई ना कोई सही होगा ही, लेकिन सबसे पहले बी जवाब सही है, और विश्वजीत विश्वकर्मा जी का बी जवाब सही है। उड़ीसा सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना का अनावरण किया है। ये योजना भूमि आवंटन और कर्मचारी भविष्य निधि के प्रतिपूर्ति के लिए 20% पूंजी निवेश सब्सिडी और बिजली शुल्क में छूट प्रदान करती है, ठीक है। एक देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है, ठीक। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अज्ञात उड़ने वाले वस्तुओं UFO पर एक साल के अध्ययन के बाद अपने निष्कर्ष जारी किया है? चौथे का आंसर, फोर लिखिए, कोई कुछ लोग पुराना आंसर देते रहते हैं इसलिए समझ में नहीं आएगा मुझे। सोमजीत जी ने बी लिखा है, सही है सोमजीत जी, नासा है इसका आंसर, सोमजीत। अभी लगभग सबका एक एक स्कोर है, तो जिसका 2 होगा उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। UFO बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, कोई मिल गया, फिल्म में UFO आया था जिससे जादू आए थे, तो उस पर रिसर्च कर रही है कि कोई मिल गया हमें, क्या हुआ था। नासा ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं पर एक साल के लंबे अध्ययन के बाद निष्कर्ष जारी किया है। नासा ने कहा है कि UFO के अध्ययन के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों की आवश्यकता होगी, जिससे उन्नत उपग्रहों के साथ साथ अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं को देखने के तरीके में बदलाव भी शामिल होगा, ठीक है। भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक कहां पे है? पांचवा,
मैं इस जगह पर रह चुका हूँ जहाँ पे ये रेस ट्रैक बना है। सही बात है, 5 का C संजय कुमार। मैं ग्रेटर नोएडा में मेरा कॉलेज था तो मैंने वहीं से अपना बीटेक किया है, और जब हम लोग थे शायद तभी इसकी शुरुआत हो चुकी थी लगभग, या बन रहे बनने वाला था। ठीक, 5 का। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को 24 सितंबर को देश के पहली मोटो जीपी रेस ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया की मेजबानी के लिए दोपहिया वाहनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स निकाय MIM द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, FIM, सॉरी, इसीलिए मुझे लग रहा था FIM द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, ए अनिल जी का सही जवाब है, 6 का B है, ए नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में BPCL की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है। ये अत्याधुनिक रिफाइनरी है जिसे लगभग 49,000 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा, जो प्रतिवर्ष लगभग 1200 किलोटन एथिलीन और प्रोपिलीन का उत्पादन करेगा, जो कपड़ा, पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट है। 7th, सही जवाब 7 का, ये आशीष सिंह। एक और जवाब जिसका सही हो जाएगा, जिनका पहले सही हुआ है उनको मेरी तरफ से पेन मिल जाएगा। नहीं, ए है। देखिए, सबसे पहले स्वच्छता से यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 2014 में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। ये ऑफिसों में स्वच्छता से संबंधित है, ऑफिसों में आपका ट्रांसपेरेंसी रहे, फाइलें लंबित नहीं रहे, उसके लिए शुरू किया गया था स्वच्छता विशेष अभियान। तो कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दोनों ऑप्शन ए या डी जो बोलते हैं वो सही था, क्योंकि रिपीट हो गया ऑप्शनल। केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 लॉन्च किया। स्वच्छता अभियान मई 2014 में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था। पहला जन जागरूकता अभियान था जिसने कार्य संस्कृति, ई ऑफिस, खुले जगहों के उपयोग और पुरालेख संस्कृति में बदलाव सहित 4 प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये स्वच्छता वो स्वच्छता से अलग है, इसलिए ये जब सवाल जब भी आपको आएगा, सवाल में आप देख लीजिए स्वच्छता विशेष अभियान, तो ये कार्यालय से संबंधित है। ठीक है, अभी 8वां क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं है, कुछ लोगों ने आंसर लिख दिया है, तो उतना एडवांस नहीं होना है, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, समय से आगे नहीं चल रहा है। किस कौन सा मंत्रालय OIML और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट को जारी जुड़ा हुआ है, बताइए। सबसे पहले बताइए ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी किससे संबंधित है, कौन बताएगा? यही कंफ्यूजन है सब लोग को। 8 का C नहीं होगा, उसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग में अंतर होता है, आप ध्यान से देखिए। वो होता है आपको METEOROLOGY, मेट्रोलॉजी, और ये है METRO, मेट्रो। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए क्वेश्चन स्पेशली रखा गया है, क्योंकि ये न्यूज़ में भी है और ये दोनों में अंतर होता है। इसमें ईओ अलग से आता है, वो मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी होता है। मेट्रोलॉजी होता है वायुमंडल से संबंधित, और मेट्रोलॉजी होता है माप तौल से संबंधित, किसी भी चीज़ के वजन से संबंधित होता है। तो वजन से जब भी होगा तो कंज्यूमर अफेयर और फूड, या हिंदी में अगर बात करें हम लोग तो आपको उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय से होगा। इसलिए हिंदी और इंग्लिश में आज जब भी क्वेश्चन हो तो मैं एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये माप तौल संबंधित है। जब मेट्रोलॉजी होता है,
MetroLogy, मेट्रोलॉजी, इसका मतलब होता है आपको वजन से संबंधित, माप तौल से संबंधित होता है, ठीक है। भारत दुनिया का 13वां देश बन गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसके 63 सदस्य हैं। भारत अब दुनिया में कहीं भी बाट और माप बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IOML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? Which city is the host of 4th G20 Sustainable Finance Working Group meeting? 9th का सी गलत जवाब। अमित आसित जी का गलत जवाब। अभी तक 9th का संजय सिंह धामी सही जवाब। संजय सिंह धामी, आसित जी एक और सही जवाब दे देते तो आपका सही हो जाता, ठीक है। वाराणसी है इसका आंसर। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक G20 सदस्य देशों के आमंत्रित देश और विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कार्य समूह का लक्ष्य है वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करना और हरित, अधिक लचीले और समावेशी समाज और अर्थव्यवस्थाओं को संक्रमण को बढ़ावा देने में मदद करने वाले स्थायी वित्त को जुटाना, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय रसद नीति NLP नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब लॉन्च हुई और क्यों बात कर रहे हैं हम इस पे? 9th का ए सही जवाब किसने लिखा? संजय कुमार, वाह संजय कुमार जी। नहीं 10th है हम लोग का, 10th में, सॉरी 10th का आपने 9th का जवाब लिखा था, 10th का ए स्नेहा, स्नेहा जी का पहला सही जवाब 10th का ए 2022 में। ये क्या है? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इसलिए बनाई गई थी कि भारत में GDP का एक 16% खर्चा होता है किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, जो कि बहुत बड़ा है। जो विश्व का औसत है वो 8% है। आप समझ सकिए कि जैसे मान लीजिए आपको ही अपना सामान दिल्ली से पटना लाना है उदाहरण के तौर पर, तो वहाँ इतना खर्चा होगा आपको लाने में, 50,000 रुपये लग जाते हैं आपको सामान लाने का। तो इसी दर को कम करने के लिए ये पॉलिसी शुरू की गई थी और जिससे कि बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी उसका एग्जैक्ट 1 साल हुआ है और 1 साल के बाद इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा हुआ है लॉजिस्टिक का रेट निर्धारण करने में, तो इसीलिए इस पर अभी डिस्कशन न्यूज़ में था ये, ठीक है। हम मोती जी ये क्लास डेली 10 बजे चलती है। इस क्लास को हम लोग इसमें मोस्टली करंट अफेयर और एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी और कैसे एग्ज़ाम को तैयारी करना है, और मेरा तो एक वो है कि कुछ मोटिवेशनल बातें जो मुझे अच्छा लगता है। देखिए मोटिवेशन ऐसा है ना, जैसे कि हमारे गाड़ी में हम लोग पेट्रोल डालते हैं, वो हमारा खाना हो गया, लेकिन हम लोग उसमें इंजन ऑयल भी डालते हैं अलग से कभी कभी, हर 3-4 महीने पर इंजन ऑयल डालना ज़रूरी होता है, वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन आपको क्या करता है, जो इस जर्नी में जो फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, हर किसी को फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये जो आपका मोटिवेशन है ये आपको कंटिन्यू रखता है कि आप इस ट्रैक पे रहिए, इसे डिरेल नहीं हुई है। नहीं तो अक्सर लोग क्या होता है, जब बहुत दिन तक फ्रस्ट्रेशन का फेज आता है ना, तो लोग थोड़ा डिरेल हो जाते हैं और सोचते हैं कि छोड़ दो तैयारी, मेरे बस का नहीं है। हर कोई वो है ना कि जब तक आप क्विट नहीं करेंगे तब तक आप हारे नहीं हैं। तो वही गलती होती है कि जब तक आपको क्विट करने से कौन रोकेगा, आपका खुद अंदर, कोई कितना भी समझा ले, जब आप परेशान रहते हैं कोई कितना भी समझा ले नहीं होगा, जब तक आपका इनर सेल्फ आपका नहीं आता। इनर सेल्फ कैसे मोटिवेट होता है, जब आप इन मोटिवेटिंग बातों को सुनिएगा पढ़िएगा। तो 10 मिनट 15 मिनट जरूर मोटिवेशनल किताब को पढ़ा कीजिए, उससे आपके जो मैं बताता हूँ कि जो आपका इनर सेल्फ है ना वो मजबूत रहता है। योगा 10 मिनट कीजिए, 10 मिनट मोटिवेशनल किताब को पढ़िए, दिन भर में ये वो इंजन ऑयल की तरह काम करते हैं जो कि जरूरी है हमारे उसके लिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। भारत 17 सितंबर
पर ये तो हम लोग इसी बात कर रहे हैं जो हमने बात किया था कि लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास और कौशल सहित सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको लिया, ठीक है। 16% जीडीपी का खर्चा हो रहा था जो कि अब 8% हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 सितंबर 2023 को कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रवाना किया? चलिए 11। कितने हरी झंडी दिखा के एक्सप्रेस को रवाना किया गया? 11 नंबर कौन बताएगा? बी। गलत 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 गलत। इरफान अली सावन सही जवाब। ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये ट्रेन राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल को मिली हैं, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में एक खासियत है कि ये 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है। 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे हैं और वैक्यूम शौचालय हैं और 360 रोटेट करने वाली सीटें हैं, ठीक है। चलिए, दुनिया भर में विश्व गैंडा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 12 नंबर। बारह का बी सही जवाब। आशीष सिंह, आशीष सिंह आज के विनर हो गए। आशीष सिंह का दूसरा सही जवाब जवाब आ गया। बारह का बी गैंडा या राइनो की भयानक स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसकी आबादी को संरक्षण के कदम पर जोर देने के लिए 22 सितंबर 2023 को दुनिया भर में विश्व गैंडा दिवस 2023 मनाया गया है। भारत में गैंडे असम, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू एफ रेसलिंग वाला नहीं है। 3,700 भारतीय गैंडे हैं। मार्च 2022 में जनगणना के अनुसार अकेले असम के काजीरंगा में 2,613 गैंडे हैं, ठीक है। एक और असम का है ओरांग नेशनल पार्क, वो भी गैंडों में, वहाँ पे वो गैंडा का कॉरिडोर बन रहा है, याद रखिएगा। ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क सब असम में है। मानस यहाँ भी आपको मिलता है, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए, कृषि व खाद उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? 13 नंबर। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में तब तक हम लोग चर्चा करते हैं जब तक जवाब आता है। नॉर्मन बोरलॉग थे आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। 13 का ए गलत है। 13 का सी विराज, वेरी गुड विराज। विराज का पहला जवाब 13 का सी। चलिए, जवाब आ चुका है तो अब हम जानते हैं। नॉर्मन बोरलॉग थे, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे, ठीक है। उनको 1970 में नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, एम एस स्वामीनाथन हैं, इनके बारे में जरूर जब जानिएगा। एम एस स्वामीनाथन ये भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं। इन्होंने एच वाई हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, मतलब उन्हीं सीड्स में से इंजीनियरिंग करके उसको ज़्यादा उपयोगी और फार्म मैकेनाइजेशन, मतलब ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब का उपयोग किया था। और नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया था? नॉर्मन बोरलॉग ने ये आपको ड्वार्फ प्लांट की खोज की थी। अब जिनको अवार्ड मिला है, स्वाति नायक, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया, ड्राउट मतलब कम पानी में चावल बन सके, ये इनके द्वारा आविष्कार किया गया, ठीक है। ये इरी है, IRRI, IRRI, ठीक है। फिलीपींस में वहां कार्यरत हैं और पानी के समस्या के कारण सबसे ज्यादा धान अफेक्टेड होता है, जो लोग गांव से जुड़े हैं, तो इन्होंने उस पर काम किया है, ठीक।
भारत की स्वाति नायक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। स्वाति अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इरी में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन के दक्षिण एशिया की प्रमुख हैं। ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में और कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिक को प्रदान किया जाता है। मतलब जो स्वाति नायक जी हैं ये 40 से कम की उम्र के हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड इस बार भारत के स्वाति नायक जी को मिलेगा, ठीक है। उड़ीसा से हैं स्वाति नायक। विश्व गुलाब दिवस कैंसर रोगियों के कल्याण दिवस 2023 के दुनिया भर में मनाया जाता है। 14 नंबर आशीष जी की कोई बराबरी करना चाहते हैं तो बताइए, 14 का ये गलत है, आशीष जी गलत है, मुझे लग रहा आशीष जी तुक्का मार रहे हैं। 14 का विश्वजीत विश्वकर्मा का सही जवाब है, 14 का सी है, विश्वजीत विश्वकर्मा का 14 का सी है जवाब है। विश्वजीत विश्वकर्मा ने पहले भी एक सही जवाब दिया है क्या? नहीं, विश्वजीत विश्वकर्मा ने पहले सही जवाब नहीं दिया है। अभी भी आशीष टॉप कर रहे हैं। विश्व गुलाब दिवस जिसे कैंसर रोगियों के कल्याण दिवस 2023 के रूप में भी जाना जाता है 22 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाया गया, ठीक है। दुनिया भर के कैंसर रोगियों के समर्पित है और दुनिया भर में कैंसर से बचे लोगों के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे युवराज सिंह कैंसर से बच गए हैं। विश्व गुलाब दिवस की शुरुआत श्रेय मलिंडा रोज नाम की एक 12 वर्षीय कनाडाई लड़की को दिया, जिसे 1994 में एक दुर्लभ प्रकार का रक्त कैंसर स्किन ट्यूमर का पता चला था, ठीक। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन द्वारा जारी स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है? यह रिपोर्ट अफ्रीका और एशिया में 5 प्रकार के जीवित गैंडा प्रजातियों के वर्तमान जनसंख्या के अनुमान और रुझान को दर्शाती है, ठीक है। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन टेक्सल स्थित एक संस्थान है, ठीक है। और यह रिपोर्ट में आवास संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी और वन्य जीव तस्करी संबंधित गैंडों की सुरक्षा के लिए रणनीति लागू करने की सिफारिश करता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 15 का ए गलत है, 15 का डी 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 किसने जवाब दिया 15 का डी? देखना पड़ेगा जवाब, इतने ज़्यादा तेज़ी से आए हैं कि भूल वो नाम ऊपर चला गया, मुझे पीछे करना पड़ेगा। 15 का नवल प्रभात एक का, 15 का डी। सही बात है, नवल प्रभात ने दिया है। 15 का डी होगा। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की जो अफ्रीका और एशिया में 5 जीवित गैंडा प्रजातियों में से इंडिया में कौन सा गैंडा मिलता है सबसे ज़्यादा, वन हॉर्न जो होता है एक हॉर्न वाला वो सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। जनसंख्या अनुमान और रुझान को दस्तावेजीकरण किया है, ठीक है। तो आज के 15 कम सवाल ये थे, एक बार सवाल आप फिर से देख लीजिए। राइनो पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है इसलिए राइनो से संबंधित 2 सवाल हैं। तो आज के ये 15 सवाल हो गए और अब जो सब आपके सवाल हैं मैं वो लूँगा। तो आशीष जी मेरा टेलीग्राम आपके पास होगा, अगर नहीं है टेलीग्राम तो मैं लिख देता हूँ, आप अपना सुपरमैन रिटर्न्स, शायद ये हिंदी वाला रेड वाला दिखता नहीं है, मैं वाइट से लिखता हूँ। सुपरमैन रिटर्न्स 1 है, कोई स्पेस नहीं है। अब अपना एड्रेस मुझे टेलीग्राम कीजिएगा, जो आपको गिफ्ट है आज का वो आपको मिल जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। चलिए अब आपके जो सवाल हैं मैं उस पर हम लोग 5-10 मिनट बात करेंगे, फिर आज का सेशन क्लोज करेंगे और कल फिर मिलेंगे। रोज़ मैं रात को 10 बजे आधे घंटे के लिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन आऊँगा, ठीक है। ये मेरी भी हॉबी है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना और आपके सवालों को लेना। टेलीग्राम पे अक्सर बहुत सवाल आ जाते हैं कि उतना स्क्रॉल डाउन करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैं नीचे नहीं जा पाता हूँ।
देखिए सारिका जी, नोट्स बनाने का मैं तरीका बताता हूँ, नोट्स आप मेरा लेके कीजिएगा तो वो मेरी समझ के द्वारा बनाया गया, इसलिए कभी भी किसी का नोट्स से नहीं पढ़िए। आप एक बार बुक को पढ़ लीजिए, ठीक है, या कहीं आपने क्लासेस ज्वाइन किया उसके लेक्चर को आप थ्रू आउट सुन लीजिए, और उसके बाद आप जब सवाल करेंगे टॉपिक वाइज सवाल उठाइए, हमेशा टॉपिक वाइज वाला जो होता है उसको कीजिए। और फर्स्ट टॉपिक आपने उठाया, फर्स्ट टॉपिक से आपका जो सवाल बना, ठीक है, नहीं बना, उसको जाके आपने किताब में देखिए और वहाँ से वो चीज़ नोट कीजिए। पहली बार में नोट्स बनाइएगा तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, और उसके बाद जो जो चीज़ आपका कमजोर एरिया है वो आपका नोट्स में आएगा। निकेश जी, सर मैं परेशान हूँ, प्लीज़ बताओ आप पॉलिटेक्निक इज एलिजिबल फॉर बीपीएससी 12th लेवल, प्लीज़ रिप्लाई सर, परेशान हूँ। आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा कल, 7079212121, ठीक है। आप पीटी के बाद हम लोग आंसर राइटिंग जरूर शुरू करेंगे, 70वीं वाला बैच है उसमें अभी भी चल रहा है, अगर जो कुछ लोग ज्वाइन किए होंगे 70वीं वाला बैच तो उनको पता होगा अभी आंसर राइटिंग चल रहा है। ऐसे मैं आप लोगों का जो पीटी हो जाएगा 30 तारीख को, उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। हाँ सतीश जी, मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, करना चाहता हूँ। देखिए मीडियम कोई मैटर नहीं करता है, मीडियम कभी भी मैटर नहीं करता, आप अपनी बात को कैसे रख रहे हैं वो मैटर करता है। अनिल कुमार जी, सर कॉम्बो बैच ले लियो, अच्छी बात है। ये बैच मोस्टली उन्हीं के लिए है जो जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं वो वेरी गुड, आप खुद से कीजिए, हमेशा मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा 6 महीने पहले, तो मैंने यही बात बताई थी कि आपको अपना नोट्स बनाना है और लास्ट टाइम में नोट्स रिवाइज करना है। पूरी किताब आप अगर आप सोचिएगा कि एक पूरी किताब रिवाइज कर लें तो 10 दिन लग जाएगा एक ही किताब को रिवाइज करने में। तो नोट्स बनाने का भी मैंने तरीका जो अभी बताया उस हिसाब से आपको नोट्स बनाना है और वैसे तैयारी करना है। हाँ बिल्कुल, ये लेक्चर फ्री है, ये फ्री क्यों नहीं होगा, ये यूट्यूब के माध्यम से आ रहा है। औरंगाबाद ऑफिशियल, ऑफलाइन क्लासेस लाइए, मेरा मन है ऑफलाइन क्लास लाने का, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ऑफलाइन क्लास में आऊँगा ना तो जो स्टूडेंट है मैं उनसे इंटरेक्ट कर पाऊँगा, कि जैसे अभी क्या होता है कि मैं आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ, आपका जो 2 लाइन का मैसेज है उसको देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर ऑफलाइन में होगा तो बच्चे सामने होंगे तो मैं जान पाऊँगा किस में कितनी कमी है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है। मैं कोशिश करूँगा कि पटना में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करूँ, ठीक है, कि मैं डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट करके जो आपकी कमियां हैं उसको मैं दूर करना चाहता हूं। हाँ सर, 69वीं बैच में सर आंसर राइटिंग होगा? हाँ श्योरली होगा, 69वीं वाले में आंसर राइटिंग 100% होगा। नहीं संजीता जी, मैं दिन में बहुत बिजी रहता हूँ, रात को 10 बजे, इसलिए मैंने शुरू किया है कि ये कम से कम मेरा जो टाइम है डिनर करने के बाद मैं आधा घंटा आप लोगों के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, ये मेरी हॉबी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और कोई दूसरा लस्ट नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई भी एक आदमी अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। और एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन आता है कमेंट से, कि मुझे लगता है कि क्या सुधार करना है पहली चीज़, और दूसरा चीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो वो मेरे लिए होता है कि जैसे कि आधे घंटे में जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, लगभग आधा घंटा हो चुका है, कल फिर एग्जैक्टली 10 बजे हम लोग मिलेंगे। चलिए ओके, गुड नाइट। चलिए ओके, गुड नाइट।